बच्चों, जैसा कि अभी तक अपने 1.1 से लेकर 1.4 समाप्त कर लिए, और 1.4 के बाद 2.1 को भी मैंने समाप्त करवा दिए, और आपको 2.1 के फोटो भी मैंने डाल दिए। आप अपना कार्य समय से पूर्ण करते जाए ताकि आप पर लोड न पड़े। इसी क्रम को अपन आगे बढ़ाते हुए आज अपन प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको मैंने कुछ सवाल छुड़वा दिए हैं। जैसे इसमें अपन स्टार्टिंग करेंगे तीसरे सवाल से, जिसको आप पहला सवाल नाम देंगे। इसके बाद तीसरे के बाद जो पांचवा सवाल है आपका, पांचवे सवाल को आप नंबर 2 देंगे, ठीक है? उसी प्रकार जो अपन तीसरे में करेंगे वही अपने को छठे में भी करना है, इसलिए मैंने आपको 3 से 6 वाला लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहले आप तीसरा सवाल पूर्ण कर लें, फिर पांचवा कर लें, और पांचवे के जब बाद जब आप छठे में पहुंचे तो उसको आप नंबर 3 दे दें, और उसमें आप जैसे अपन पहले में करेंगे वैसे आपको छठे में भी करना है। ओके, अब मैं आपको बता देता हूं आपको किस प्रकार से करना है। जैसे आपका तीसरे में दिया है उसने गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखना है और उसकी निष्कपिल्ल बनाना है। जैसे जो पहला दिया आपको 7 × 3/5, 7 × 3/5। अब आपके अगर हर में कोई संख्या नहीं, आपको मर्जी से 1 लगा देना है और इसका गुणा कर देना है। जैसे 7 × 21 और 5 × 5, आपके पास आए 21/5। अब आपको इसकी निष्कपिल्ल बनाना है। निष्कपिल्ल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 21 में 5 का भाग देना होगा। जैसे 5 × 20, 1 बचा आपका। अब आपकी निष्कपिल्ल क्या बन जाती है, 4 सही 1/5, 4 सही 1/5। ताकि इसमें आपका क्या होगा, आपकी निष्कपिल्ल बनी इसकी 4 सही 1/5, यानी 5 × 20 और 1 21, 21/5 हुआ कि नहीं हुआ आपका पूरा। इस तरह आपको इन सवालों को हल करना है, और जो आपको तीसरे में करना है वही आपको छठे में भी करना है, ठीक है? लेकिन आप इसको 1 नंबर नाम दे दें ताकि आपकी 2.1 नंबर से स्टार्टिंग हो जाए। इसके बाद दूसरा वाला जो है आपका, उसमें आपको 24 का 1/2 बताना है। का मतलब होता है गुणा, मतलब जैसे 24 का 1/2 बताना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, 1/2 × 24, ठीक है? अब अपने को नजर आ रहा है कि 24 में अगर एक अपन 1 लगा देते हैं तो अपने पास 24 करना 24 और 2 करना 2 हो जाते हैं। जब 2 से अपन 24 को काटते हैं, 2 करना 2, 2 × 2 = 4, या अपन 24 में 2 का भाग भी लगा सकते हैं। जब इस तरह बटे में संख्या आती हो, अगर आपको काटना नहीं आता है तो आप 24 में 2 का भाग लगा के भी देख सकते हैं, आपके पास आंसर यही आएगा। तो इस तरह आपको इन सवालों को हल करना है। तो इसका आंसर आपके पास कितना हो जाएगा, टोटल 12, यानी 24 का 1/2 कितना होता है, 12। ओके, आप इस तरह से इन सवालों को हल करेंगे, और हल करने के बाद मुझे चेक करवाएंगे, ठीक? ओके।